एक तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, हो सकता है आपके होश में उड़ जाए। तो 2 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखिए और बहुत सारी बातें वो जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ वो वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। हमारे जो कोविड सेंटर है जहाँ पे संचालक ऑनरेबल एमएलए नीलेश लंके जी है, वो जिसके बेसिस पे एनआई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये रिकमेंडेशन दिया है, वो रिकमेंडेशन का एक झलक आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे कोविड पेशेंट में किस तरह से पेशेंट हैं वर्सेस जो आसपास के हॉस्पिटल में जिनका वीडियो दिखाते हैं, दोनों को कंपेयर आप देख लीजिए कि 2 मिनट अभी लियो के अनुसार उसके बॉडी वेट मान लो 60 केजी का है, तो यानी कि 60 यानी कि 6 60 डिवाइड बाय 10 6। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जब वहां कोई जाता है तो उसको सही राय नहीं मिलती, क्योंकि एक पैथी कंप्लीट नहीं है सारी बीमारी का इलाज करने में। इसीलिए हम लोगों ने मिलके चंडीगढ़ में जो भारत का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुरू किया है, जो आपके माध्यम से पूरे भारत के लोगों को पता चल जाएगा, वहां पर जो भी पेशेंट आता है हम चारों पैथीज के डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं। हमारे साथ एमबीबीएस एमडी अवधेश पांडे जी मौजूद है, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए पटियाला से हैं, वो भी एमबीबीएस डबल एमडी हैं। तो हम लोग सारे मिलकर पहले पेशेंट का डिस्कशन करके पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोकॉल बनाते हैं तो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम सिर्फ यही बोलेंगे कि पेशेंट की जितनी भी ऐसी चीजें जो पेशेंट का तनाव बढ़ाती हैं वो जान लेती हैं, क्योंकि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल जान लेता है, कोरोना जान नहीं लेता, कोरोना का गलत प्रोटोकॉल या पेशेंट का बढ़ा हुआ स्ट्रेस। अब जब उसको आप पीपी किट में मिलते हो, जब आप उसको डबल डबल मास्क लगा के मिलते हो, उसकी शक्ल तो आपको दिखती नहीं और ना उसको आप छूते हो, 15 फीट दूर से आप उससे बात करते हो, तो पेशेंट को अपनापन फील ही नहीं। आज की बात में अगर कोविड से किसी की भी डेथ होती है तो वो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है कि आपने ये मेथड लोगों तक पहुंचाया नहीं है, राइट। वो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। कोविड से किसी की मौत नहीं हो सकती, मौत हो सकती है तो कोविड के रॉन्ग ट्रीटमेंट से जरूर हो सकती है। तो इसके लिए आगे हमारी क्या रणनीति है, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे साथ आचार्य मनीष है, डॉक्टर अवधेश पांडे है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमारे खुद के ही हॉस्पिटल्स हों, पूरे देश में जनता के हॉस्पिटल हमारे और आपकी हॉस्पिटल। तो इसकी शुरुआत हमने की पिछले हफ्ते, और शुरुआत में जो पहला हॉस्पिटल आप देख रहे हैं इसका नाम यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। याद रखिए पेशेंट सेंट्रिक, यानी कि सारा ध्यान पेशेंट पे, सारा ध्यान पैसे पे नहीं, नॉट पैसा नॉट प्रॉफिट, पेशेंट सेंट्रिक, राइट। हमारा एक ही मकसद है कि कम से कम पैसे में जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए, और ठीक करते वक्त उनकी और भी कोई तकलीफ हो वो भी ठीक हो जाए। अभी क्या है कि आते हैं कोविड के इलाज के लिए और जाते हैं ब्लैक फंगस लेके, तो इसका ठीक उल्टा, वो आए कोविड के इलाज के लिए लेकिन जब हमारे पास आए तो दूसरे हॉस्पिटल में ऑलरेडी उनकी हालत खराब कर दी, और तब आए वो क्योंकि पैसे खत्म हो गए, बोला कि वेंटिलेटर लगेगा तो उसके पैसे है नहीं और हमारे सेंटर में फ्री में होता है, और तब आए और तब भी वो ठीक हो गए, एक भी नहीं मरे। और ये मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री खुद भी बोल रही है। तो खैर आपको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ कि हमने मिलकर लॉन्च किया है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो डेरा बसी में है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर पहले दिल्ली चंडीगढ़ रोड में। और यहाँ पे चेयरमैन आचार्य मनीष, जिनका ये सपना है कि देश के हर कोने में इस तरह के हॉस्पिटल्स हों और जिसमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात करें, एलोपैथी की बात अलग से नहीं, होम्योपैथी की बात अलग से नहीं, आयुर्वेद की बात अलग से नहीं, पेशेंट की बात करें, अब लेकिन अगर उस पेशेंट को अगर मैं ऐसे लिटा दूं, राइट, सिंबॉलिकली देखिए ऐसे लिटा दूं, तो उसका लंग्स में कैपेसिटी अबाउट 20% बढ़ जाता है। अगर आगे की तरफ पेशेंट को झुकाते हैं, जैसे मैं इसको झुका रहा हूं, या फिर उसको पेट के बल लिटाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जैसे हम मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं अब बैठा हूं, तो अब उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन बढ़ने लगेगी। कितनी देर में? 15 मिनट में, नोट माय वर्ड्स। और एक एक परसेंट, 1%, 2% करके बढ़ता रहेगा। आप ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे और आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है, राइट। तो वो बढ़ता रहेगा और साथ में अगर तब भी नहीं बढ़ रहा है तो छोटा सा एक फैन हमारे पास होता है, वो फैन हम लगाए थे नाक के सामने,
कैन लगाया था और पेशेंट ऐसे बैठ जाता। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी को भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर तो जरूरत है तो ये पोस्चर, और इस पोस्चर में अगर वो थक गया तो फिर वो लेट सकता है पेट के बल, पेट के बल ऐसे करके लेटेगा। जब ऐसे लेटेगा तो उसका जो लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ी रहेगी और ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका बढ़ता रहेगा। और जो बूढ़े लोग हैं ऐसे भी नहीं लेट पा रहे तो साइड पोस्चर, साइड पोस्चर में लेटेंगे या फिर पेट के बल लेटेंगे। अब देखिए आप जब हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट लेटे होते हैं तो वो कैसे लेटे हैं?